रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज से जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे इस दौरान सीमाओं पर सैनिकों की तैयारियों और दूरवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की समीक्षा करेंगी। बता दें कि रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद ये उनका जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है। सूत्रों के मुताबिक सीतारमण ने घाटी में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा और सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करेंगी। सूत्रों के मुताबिक सीतारमण के साथ इस दौरे पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी जा सकते हैं। वह घाटी में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक भी ली। अध्यक्षता करते हुए भारतीय नौसेना की जहाजों के लिए स्वदेशी सोनार खरीदने और मिसाइल खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए मूल्य की एक परियोजना को मंजूरी दे दी। सीतारमण के रक्षा मंत्री बनने के बाद परिषद की पहली बैठक थी। बता दें कि मंत्री ने हर पखवाड़े डीएसी की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है।